Hi guys, so let's start with the second part of our seventh chapter, that is non-current assets, acquisition and depreciation. तो फर्स्ट पार्ट में अभी मैंने तुम्हारे को डेप्रिसिएशन करा दी, एक्विजिशन की एंट्रीज वगैरह करा दी थी कि जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं हम सारी. नाउ लेट्स स्टार्ट विद डेप्रिसिएशन. तो डेप्रिसिएशन का मैं एक बार एक ओवरव्यू दे देता हूँ पूरा कि व्हाट एग्जैक्टली डेप्रिसिएशन इज़. सो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आज एक कार परचेज करी है फॉर 1 लाख रुपीज़ या 10 लाख. 1 लाख में तो आज की डेट में कौन सी कार आती है. 10 लाख रुपीज़ में मैंने कार परचेज की है. दिस इज़ माई कॉस्ट ऑफ कार दैट इंक्लूड्स एवरीथिंग, वही परचेज, जो रोड टैक्स फीस होती है, रोड टैक्स हो गया, इंश्योरेंस हो गया, सब कुछ मिला के टोटल कॉस्ट मेरे को 10 लाख पड़ी है. और ये जो कार है, मुझे इस कार के बारे में एक रफ एस्टिमेट है, कंपनी ने भी बताया कि ये कार 10 साल तक चल सकती है. 10 साल के बाद ये कार स्क्रैप हो जाएगी और आपको इसको सेल करना पड़ेगा स्क्रैप में. जैसे आजकल जब इंडिया में आप कोई कार बाय करते हो तो जब उसकी रजिस्ट्रेशन होती है तो जो RC होता है उसका, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उसमें लिखा होता है कि दिस इज़ द डेट ऑफ एक्सपायरी, उस दिन के बाद ये कार रोड पर नहीं चलेगी. तो 10 साल के बाद इस गाड़ी की वैल्यू हो जाएगी मेरी ज़ीरो, ठीक है, या ज़ीरो नहीं बोलता, 10 साल के बाद ये गाड़ी मेरी स्क्रैप में सेल होगी फॉर लेट से 1 लाख. 1 लाख की ये स्क्रैप बिकेगा, इसका जो लोहा वगैरह वो सारा है वो तो बिक जाएगा, ठीक है. सो दैट मीन्स, अगर मैं तुम्हें एक चीज़ बोलूँ, जनरली कार मैंने परचेज़ की थी 10 लाख की और 10 साल बाद जब मैं इसको बेचूँगा तो मेरे को मिलेंगे 1 लाख, तो तुम्हारा नुकसान कितना हो रहा है टोटल, नुकसान कैश की फॉर्म में कितना हो रहा है. तो 9 लाख का तुम्हारा पूरा नुकसान हो रहा है ना, 9 लाख का तुम्हारा नुकसान हो रहा है. तो 9 लाख का जब हमारा नुकसान होता है तो इस नुकसान को हमें अपने प्रॉफिट एंड लॉस में, लॉस साइड पे दिखाना पड़ेगा कि मेरा इतना लॉस हुआ है. 9 लाख का मेरा लॉस हो रहा है ना. अब फॉर एग्जांपल अगर मेरी इनकम हो रही है सेल करने से, नॉट ये वाली कार, नॉर्मल जो मेरी इनकम है, जो मैं गुड्स परचेज सेल करता हूँ, लेट से मेरी 20 लाख की इनकम है, 20 लाख की मेरी इनकम है और मेरे परचेज के खर्चे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह जो थे, कॉस्ट ऑफ सेल्स, वो सब करके जो मेरे खर्चे हैं वो है लेट से 7 लाख. तो मेरा प्रॉफिट अभी तक कितना आ रहा है, 13 लाख. अब 13 लाख मेरा प्रॉफिट आ रहा है और मुझे इस प्रॉफिट पे इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, है ना, हर कंट्री का इनकम टैक्स होता है. तो 13 लाख पे मुझे इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा. बट एज अ अकाउंटेंट मैं उनको एक बात बोलूँगा कि 13 लाख मेरा अभी प्रॉफिट है, लेकिन जो मैंने एक कार परचेज की थी 10 लाख की, उस 10 लाख की कार पे मेरे को तो 10 साल बाद 1 लाख मिलेंगे. तो एक तरह से तो मेरा 9 लाख का खर्चा नुकसान हो रहा है. तो मुझे यहाँ से माइनस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन. जस्ट एन एग्जांपल, दिस इज़ नॉट राइट मेथड बट जस्ट एन एग्जांपल. तो मुझे तो 9 लाख यहाँ से माइनस करने पड़ेंगे. दैट मीन्स मेरा जो एक्चुअल प्रॉफिट है, जो मेरी कमाई है, वो तो 4 लाख है, क्योंकि 13 लाख में से 9 लाख का तो मेरा एक लॉस हो रहा है, मुझे पैसे थोड़ी मिलेंगे इसके, है ना, ये तो एक नुकसान है. तो मुझे नुकसान यहाँ से अपने इनकम में से माइनस करना पड़ेगा. तो मेरा जो प्रॉफिट आएगा वो 4 लाख आना चाहिए. लेकिन ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होती, क्योंकि जो ये लॉस हमारा है, दिस लॉस इज़ फॉर 10 ईयर्स. 10 सालों में जाके ये लॉस होगा, 1 साल का लॉस नहीं है. ये लॉस हमें ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है. तो इसीलिए हमारे अब ये जो वैल्यू होती है 9 लाख, दिस इज़ काइंड ऑफ डेप्रिसिएशन, मेरा लॉस. डेप्रिसिएशन का मतलब ही ये होता है एसेट की वैल्यू का गिरना बिकॉज ऑफ वियर एंड टीयर ऑफ द एसेट. तो इस डेप्रिसिएशन को मैं एक ही साल में अपना नुकसान नहीं मान सकता. मुझे अपनी बुक्स में आई हैव टू फाइंड डेप्रिसिएशन. सो देर आर 2 मेथड्स टू फाइंड डेप्रिसिएशन. फर्स्ट इज स्ट्रेट लाइन मेथड एंड सेकेंड इज रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड.
फर्स्ट इज स्ट्रेट लाइन मेथड एंड सेकंड इज रिटन डाउन वैल्यू मेथड. ये हमने पढ़ने अभी इसको रिटन डाउन वैल्यू को यहाँ पे ECCA में दे कॉल इट रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड. तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे या स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन निकालेंगे. तो अभी मैंने तुम्हें सिर्फ एक कॉन्सेप्ट क्या बताया है कि जो मेरा टोटल 9 लाख का नुकसान हुआ है वो मुझे अपना खर्चा दिखाना है यानी डेप्रिसिएशन दिखाना है, लेकिन मैं उसको एक साल में नहीं दिखा सकता क्योंकि इस खर्चे की एक लाइफ है, 10 साल में जाके नुकसान होगा मेरा. दैट्स वाई मुझे इसको स्प्रेड करना पड़ेगा. अब वो स्प्रेड करने के लिए देर आर टू मेथड्स. फर्स्ट इज स्ट्रेट लाइन मेथड एंड सेकेंड इज रिटन डाउन वैल्यू मेथड. ये भी हम अभी साथ साथ करेंगे, अभी मैं नहीं बता रहा, धीरे धीरे जब आएगा तब वहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा. तो पहले इसकी फटाफट से थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं. सो डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 प्रॉपर्टी एंड प्लांट इक्विपमेंट, इट डिफाइंस डेप्रिसिएशन एज the systematic allocation of the depreciable amount of an asset over its useful life. इसका मतलब है कि जो भी मेरा asset था उसकी systematic allocation of the depreciable amount, जैसे 9 लाख का मेरा depreciable amount था, उस 9 लाख का systematic allocation करना over the life of asset is called depreciation. ठीक है, इन सिंपल टर्म्स डेप्रिसिएशन स्प्रेड्स द कॉस्ट ऑफ एसेट ओवर द पीरियड इट विल बी यूज्ड. डेप्रिसिएशन मैचेस द कॉस्ट यूजिंग नॉन करंट एसेट टू द रेवेन्यू जनरेट बाय, ये हम बाद में करेंगे, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. ये थ्योरी है गाइस, ये एक बार पढ़ लेना, दिस इज जस्ट अ प्लेन रीड. जब प्रैक्टिकल करेंगे तुम्हें थ्योरी समझ आ जाएगी, तो ये चीज़ एक बार पॉज करके रीड कर लेना, कोई डाउट हो मुझसे पूछ लेना. ठीक है, सो डेप्रिसिएशन मे अराइज फ्रॉम यूज़ ऑफ एसेट. इसका 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है कि डेप्रिसिएशन किस चीज़ से नहीं होती, तो हमें पढ़ना पड़ेगा डेप्रिसिएशन किस किस चीज़ से होती है. सो डेप्रिसिएशन मे अराइज फ्रॉम यूज़ ऑफ एसेट, फिजिकल वियर एंड टीयर, पासिंग ऑफ टाइम. जैसे कोई लीज़ की हमने प्रॉपर्टी ली हुई है लीज़ पे, तो हर साल उसकी वैल्यू गिरती रहेगी क्योंकि लीज़ की वैल्यू कम होती रहेगी. ऑब्सोलेसेंस थ्रू टेक्नोलॉजी एंड मार्केट चेंजेस, लाइक पुरानी मशीन थी उस पर काम कर चलते जा रहे हैं, लेकिन एक नई टेक्नोलॉजी आ गई जो बड़ी फास्ट है और ये चीज़ सही कर देती है. एग्जांपल, जैसे पहले हमारे आंखों के होते थे लेज़र ऑपरेशन, आजकल हो गए हैं लासिक. तो लासिक इज़ अ न्यू टेक्नोलॉजी, बेटर टेक्नोलॉजी, इजी है, टाइम सेविंग है, सस्ती है, तो लेज़र टेक्नोलॉजी की वैल्यू काफ़ी कम हो गई है, दैट इज़ ऑब्सोलेसेंस. एंड लास्ट आता है डेप्लीशन, एग्जाम्पल एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल फ्रॉम अ क्वेरी. इसका मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक पहाड़ है, एग्ज़ाम्पल इस पहाड़ में यहाँ पे मिनरल्स हैं, तो मिनरल्स निकालने के लिए हम यहाँ पे एक क्वेरी लगाते हैं. क्वेरी मतलब हमने बहुत बड़ी मशीन लगाई है जो यहाँ से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करेगी. इट्स अ वेरी बिग मशीन जो मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करती है. अब द पॉइंट इज़, मुझे जब मैंने यहाँ पे सर्वे किया था, मुझे पता लगा था जस्ट एन एग्जांपल कि यहाँ से इतने टन्स, 10 लाख टन्स मिनरल निकलेगा. ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर मैंने यहाँ से 10 लाख टन्स निकाल दिए मिनरल्स, तो मतलब ये पहाड़ की वैल्यू ज़ीरो होगी. अब जो ये मशीन हमने, जो क्वेरी हमने बनाई थी, ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये दिस इज़ नॉन मूवेबल, तो ये हम यहीं पे निकाल के स्क्रैप में बेच देते हैं, ये दोबारा से कहीं यूज़ नहीं होता. तो जो एक्सट्रैक्शंस की मशीन्स होती हैं, जो क्वेरीज होती हैं, दे आर नॉट यूज्ड अगेन, वो यहीं पे ख़त्म हो जाएंगी. दैट मीन्स जो भी मैंने टोटल इस एसेट पे खर्चा किया था, जैसे ही मैं 10 लाख टन्स मिनरल एक्सट्रैक्ट कर लूँगा, इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी. तो वो डेप्रिसिएशन टन्स बेस पे होती है. तुम्हारे सिलेबस में नहीं है वो चीज़, अभी आगे आएगी, बट जस्ट फॉर योर नॉलेज कि डेप्लीशन, एग्जांपल एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल फ्रॉम अ क्वेरी. सो द पर्पस ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट टू शो द एसेट्स एट इट्स करंट वैल्यू इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन. ये इंपॉर्टेंट है. डेप्रिसिएशन का मतलब ये नहीं है कि अपने एसेट को करंट वैल्यू पे दिखाना है. नॉर इट इज़ इंटेंटेड टू प्रोवाइड अ फंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट. और ना कि इसका मीनिंग है कि हमने एसेट दूसरा परचेज करना है तो उसके लिए हम अलग FD करा रहे हैं. नहीं, इट इज़ सिंपली अ मेथड ऑफ एलोकेटिंग द कॉस्ट ऑफ द एसेट ओवर द पीरियड
एस्टिमेटेड टू बी बेनिफिट फ्रॉम इट्स यूज़, कि जो भी हमारा नुकसान हुआ है 9 लाख का, उस 9 लाख को हम स्प्रेड कर दें ओवर द ईयर्स और उसका बेनिफिट ले सकें, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू IAS 16, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, लैंड नॉर्मली हैज़ एन अनलिमिटेड लाइफ, दैट्स वाई इट इज़ नॉट डेप्रिशिएटेड। लैंड कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होती, लेकिन बिल्डिंग डेप्रिशिएट हो सकती है। अब अगर तुम बोलोगे सर बिल्डिंग है, बिल्डिंग के नीचे तो लैंड भी है, ये बिल्डिंग है ये लैंड है, तो इसको तो अलग अलग हमें डेप्रिशिएट करना पड़ेगा, लैंड को डेप्रिशिएट नहीं करेंगे बिल्डिंग को करेंगे? नहीं, कई बार क्वेश्चन में लैंड और बिल्डिंग की कंबाइंड वैल्यू दी होती है, तो उस पर भी हम डेप्रिशिएट करेंगे, लेकिन बहुत कम वैल्यू पे करेंगे, ठीक है। बट लैंड इंडिविजुअली लैंड विल नॉट बी डेप्रिशिएटेड। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट बिगिंस व्हेन इट इज़ अवेलेबल फॉर यूज़। जिस दिन हम एसेट का यूज़ करना शुरू कर देते हैं, उस दिन से ही हम डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। अगर मैंने एसेट को परचेज कर लिया लेकिन यूज़ नहीं करा, एज इट इज़ पड़ा है, तुमने कार मोबाइल परचेज किया है और तीन महीने मोबाइल एज इट इज़ पैक्ड पड़ा है, तो वो मोबाइल की वैल्यू नहीं गिरेगी, क्योंकि इट इज़ अ सील्ड मोबाइल, तुम सेम वैल्यू का आगे सेल कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देयर आर टू मेथड्स टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, फर्स्ट इज स्ट्रेट लाइन मेथड एंड सेकंड इज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में तुम्हें बता देता हूँ क्या होता है, फिर यहाँ से तुम्हें समझ आ जाएगा। सो स्ट्रेट लाइन मेथड इज, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल जैसा मैंने ऊपर बताया था कि मैंने कार परचेज करी थी फॉर 10 लाख रुपीज़, इसकी जो लाइफ मेरी है, एस्टिमेटेड लाइफ जो है, लाइफ इज 10 ईयर्स, और स्क्रैप वैल्यू मतलब 10 साल बाद जो इसको मैं कबाड़ में बेचूंगा तो ये 1 लाख की बिक जाएगी, तो अल्टीमेटली हाँ तुम्हारा लॉस कितना हो रहा है 9 लाख का, कि 9 लाख तुम्हारी पॉकेट से जा रहे हैं जिसका तुम्हें एज सच कैश बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हाँ उस केस में तुम ये बोल सकते हो कि हाँ इस एसेट से हम प्रोडक्ट जो गुड्स बना रहे हैं उसमें हेल्प होगी, वो चीज़ अलग है, लेकिन जो हमने 10 लाख या 9 लाख मशीन के लिए पे किए हैं, उस 10 लाख को हम कहीं से रिकवर नहीं कर सकते इन फॉर्म ऑफ डायरेक्ट रिकवरी। तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड, इसको शॉर्ट में बोलते हैं SLM, दैट इज स्ट्रेट लाइन मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का हमारा सिंपल सा फॉर्मूला होता है। सो यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट क्या होता है, डेप्रिसिएशन रिमेन्स सेम ईच ईयर, हर साल डेप्रिसिएशन सेम कैलकुलेट होगी, सेम रहेगी, डेप्रिसिएशन की वैल्यू चेंज नहीं होगी, और डेप्रिसिएशन का जो फॉर्मूला होगा दैट विल बी कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू, जिसको रेजिडुअल वैल्यू भी बोलते हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स या यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में तुम्हारा डेप्रिसिएशन की वैल्यू सेम रहती है, और फॉर्मूला होता है डेप्रिसिएशन का कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ, दिस इज डेप्रिसिएशन ईच ईयर, डेप्रिसिएशन ईच ईयर, ठीक है। सो इन द अबव केस इफ आई कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, सो डेप्रिसिएशन ईच ईयर विल बी, डेप्रिसिएशन ईच ईयर विल बी कॉस्ट ऑफ एसेट 10 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू 1 लाख डिवाइडेड बाय लाइफ थी उसकी 10 ईयर्स, दैट मींस 9 लाख डिवाइड बाय 10, सो दिस इज 90,000 ईच ईयर, सो डेप्रिसिएशन विल बी 90,000 ईच ईयर। ये समझ आया गाइस? तो ये होता है डेप्रिसिएशन का हमारा कैलकुलेशन का तरीका। अब डेप्रिसिएशन का, हालांकि इस चैप्टर में तो तुम्हारे को प्रॉपर अकाउंट्स बनाने सब कुछ है, बट एग्ज़ाम में तुम्हें कोई अकाउंट्स नहीं बनाने, एग्ज़ाम में तुम्हें ये पता होना चाहिए कि किस रेट पे डेप्रिसिएशन लग रहा है, क्या और क्या एक कैरिंग वैल्यू है। तो एक हम इसमें एक चार्ट बनाते हैं,
ये बहुत इजीली कैलकुलेटर पे भी बन जाएगा, कैलकुलेटर पे भी हो जाएगा सॉल्व, और कॉपी में भी बन सकता है। तो चार्ट में हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट, डेट पर्टिकुलर और अमाउंट। तो जैसे आई एम अज्यूमिंग कि ये मशीन, ये कार मैंने बिल्कुल बिगनिंग ऑफ द ईयर परचेज की थी, आई एम अज्यूमिंग मेरा ईयर स्टार्ट होता है 1 जनवरी से टिल 31 दिसंबर, और मैंने जो कार परचेज की है वो की है 1 जनवरी 2016, ठीक है। तो 1 जनवरी 2016 को मैंने परचेज की थी कार, कितने की परचेज की थी, 10 लाख, 10 लाख की मैंने कार परचेज की थी। अब ईयर एंड कब होगा, 31 दिसंबर 16, सो 31 दिसंबर को जो मेरी कार है, हर साल बाद जब भी ईयर एंड होता है हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, तो ईयर एंड पे यहाँ पे आई विल राइट डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन ईच ईयर मेरी कितनी आई थी, 90,000, तो यहाँ से मैं वैल्यू माइनस कर दूँगा 90,000। सो 31 दिसंबर को जो मेरा कैरिंग अमाउंट आएगा बुक्स में, कि मशीन की जो वैल्यू बुक्स में है, दैट इज़ 9,10,000। कि बुक्स में पहले मेरी मशीन थी 10 लाख की, उसमें से 90,000 की डेप्रिसिएशन लगी, तो आज की डेट में जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 9,10,000। अब दोबारा से 31 दिसंबर 2017, अब अगले साल के एंड में, हर साल के एंड में डेप्रिसिएशन लगती है, अगले साल दोबारा डेप्रिसिएशन लगेगी, डेप्रिसिएशन रिमेन्स सेम ईच ईयर, तो यहाँ पे भी 90,000। और 31 दिसंबर 17 को जो कैरिंग अमाउंट मेरा आएगा एसेट का, दैट इज 8,20,000, ठीक है। अब ऐसे ही 31 दिसंबर 18 डेप्रिसिएशन सेम वैल्यू 90,000, और सेम डेट पे कैरिंग अमाउंट मेरा आ जाएगा 7,30,000, ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है हमारा, अब इसमें क्वेश्चंस किस टाइप के आ सकते हैं, तुम्हें वो क्वेश्चन में ऐसा सिचुएशन देके वो पूछेंगे कि बताओ 31 दिसंबर 2017 को कितनी डेप्रिसिएशन लगेगी, तो 31 दिसंबर 2016 को डेप्रिसिएशन लगेगी 90,000। व्हाट विल बी दी कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ 31 दिसंबर 2018, तो 31 दिसंबर 2018 को जो एसेट का कैरिंग अमाउंट है बुक्स में, दैट विल बी 7,30,000। या आई होप गाइस सबको समझ आ गया, ठीक है। सो ये हमारा होता है डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन बाय यूजिंग स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड। सिंपल मतलब एसेट की वैल्यू चेंज नहीं होती, डेप्रिसिएशन रिमेन्स सेम ईच ईयर, और डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। अब एक बार ये पढ़ लेते हैं स्टार्टिंग से सारा। एक बार ये पढ़ लेना, प्लेन रीड है। स्ट्रेट लाइन मेथड, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। ऑल्टरनेटिवली इट कैन बी सिंपली बी गिवन एज अ सिंपल परसेंटेज ऑन कॉस्ट। कई बार हमें सिंपल परसेंटेज भी गिवन होती है, जैसे अगर मैं यहाँ पे भी मुझसे कोई पूछता है कि बताओ डेप्रिसिएशन परसेंटेज निकालो, व्हाट विल बी दी परसेंटेज डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन ईच ईयर मेरी कितनी आई है, 90,000, डेप्रिसिएशन ईच ईयर इज 90,000, सो देयरफॉर परसेंटेज डेप्रिसिएशन विल बी डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट इनटू परसेंटेज, डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय कॉस्ट इनटू परसेंटेज, दैट मीन्स 90,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख इनटू 100 विच इज 9%। सो डेप्रिसिएशन मेरी कितनी हो जाएगी, 9%। तो मैं कॉस्ट पे 9% निकाल दूंगा 90,000, और हर साल 90,000 वैल्यू माइनस कर दूंगा, दिस विल बी डेप्रिसिएशन। समझ आया गाइस, किसी को कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो वो कमेंट में प्लीज़ लिख के मुझे बता दे, मैं दोबारा से अगर हुआ तो वीडियो बना दूंगा, अदरवाइज वैसे हुआ तो पर्सनली भी समझा दूंगा। सो यहाँ पे वही एक्सप्लेन किया हुआ है, रेजिडुअल वैल्यू द एस्टिमेटेड डिस्पोजल वैल्यू ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ द ईयर, यूजफुल लाइफ
द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ ईयर्स ड्यूरिंग विच द बिजनेस विल यूज द एसेट. अब आगे द स्ट्रेट लाइन मेथड रिजल्ट्स इन सेम चार्ज एवरी ईयर एंड इट्स यूज wherever the pattern of usage of asset is consistent throughout the life. Buildings are commonly depreciated using this method because businesses will commonly get same usage out of building every year. This is just for plain read. अब useful life का मैं कुछ नहीं करना. अब यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है reducing balance method. अब reducing balance method क्या होता है, same example मैं लेता हूँ. इसमें सिर्फ एक important point क्या है तुम्हारा reducing balance method में, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड. तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में जो हमारा पहला पॉइंट आता है दैट इज वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन चेंजेस ईच ईयर. हर साल डेप्रिसिएशन की वैल्यू चेंज होती है. वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन ईच ईयर is calculated on previous year's carrying amount. Depreciation हर साल किस पे calculate होती है, पिछले साल का जो carrying amount है उस पे calculate होगी. और रेजिडुअल वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू हैज नो यूज इन कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन. के रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू का डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन में कोई भी यूज नहीं है. तो सेम क्वेश्चन जैसा हमने पहले किया था, जैसे कार मैंने परचेज की है, कार परचेस्ड फॉर 10 lakh. तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में मुझे डेप्रिसिएशन विल बी ऑलवेज गिवन इन परसेंटेज, मुझे कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेगी. तो डेप्रिसिएशन मुझे हमेशा गिवन होगी. लेट्स से क्वेश्चन में गिवन है कि डेप्रिसिएशन इज 10% पर एनम, 10% पर एनम हमारी डेप्रिसिएशन है. और ये भी कार मैंने परचेज की है सेम 1 January 2016 को. ठीक है, अब दोबारा से वो चार्ट बनाते हैं. डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट. सो सबसे पहले 1 January 2016 को मैंने परचेज करा था एसेट फॉर 10 lakh. ठीक है, अब ईयर एंड आ गया 31 December 2016, यहाँ पे लगेगी डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन प्रीवियस कैरिंग अमाउंट. अब अभी तो हमने सीधा परचेज किया है, तो परचेज वैल्यू पे 10% डेप्रिसिएशन लगा देंगे विच विल बी 1 lakh. सो दैट मीन्स 31 December 2016 को जो मेरा कैरिंग अमाउंट आएगा, कैरिंग अमाउंट विल बी 10 lakh माइनस 1 lakh इज 9 lakh. कि आज की डेट में जो मशीन की वैल्यू बुक्स में है दैट इज 9 lakh. दीज टू आर डिफरेंट मेथड्स, तो ऐसा नहीं है कि आंसर सेम आता है. अब 31 December 2017 दोबारा से डेप्रिसिएशन लगेगी. डेप्रीसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन प्रीवियस ईयर्स कैरिंग अमाउंट, मतलब 9 lakh पे 10% दैट इज 90,000 डेप्रीसिएशन. सो दोबारा से 31 December 2017 को जो मेरा कैरिंग अमाउंट आएगा दैट विल बी 8,10,000. अब दोबारा से 31 December 2018 को मैं लिखूंगा डेप्रीसिएशन. अगेन डेप्रिसिएशन इस वैल्यू का 10% दैट इज 81,000. सो 31 December 2018 को जो मेरा कैरिंग अमाउंट आएगा इट विल बी 8,10,000 माइनस 81,000. सो 8,10,000 माइनस 80,000 इज 73, तो 729,000. तो यहाँ पे भी सेम, अगर तुम्हारे को क्वेश्चन देते हैं कि बताओ 31 December 2017 को डेप्रिसिएशन कितनी लगेगी, तो 31 December 2017 डेप्रिसिएशन विल बी 90,000.
31 दिसंबर 2018 को कैरिंग अमाउंट कितना होगा? तो 31 दिसंबर 2018 को कैरिंग अमाउंट विल बी 729,000. गाइज आई होप सबको मेथड समझ आ गया हो. दिस इज़ दी वे टू कैलकुलेट डेप्रीसिएशन ईच ईयर बाई यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड. स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल डेप्रीसिएशन की वैल्यू सेम रहती है. रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में रेट सेम होता है लेकिन वैल्यू ऑफ डेप्रीसिएशन चेंजेस ईच ईयर. ठीक है, अब इसके बाद एक पॉइंट आता है हमारा, एसेट बॉट एंड सोल्ड ड्यूरिंग द पीरियड. इन द पीरियड मतलब जैसे दिस इज 1 जनवरी 16 एंड दिस इज 31 दिसंबर 16. मैंने 1 जुलाई को परचेज की है मशीन. मैंने कब मशीन परचेज की है? 1 जुलाई को. अब जब 1 जुलाई को मैं परचेज करूँगा मशीन, तो देर आर, अब पूरा तो मशीन रही नहीं है मेरे पास, मशीन तो बीच में परचेज की है मैंने, तो डेप्रिसिएशन को भी प्रोरेट करना पड़ेगा. लेकिन देर आर टू मेथड्स टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन इन दिस केस. पहला केस, प्रोवाइड फुल ईयर्स डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन एंड नन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल. मतलब जिस साल हमने एसेट परचेज किया है उस दिन पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगाएंगे, और अगर हमने एसेट ये बेचा कभी और वो भी ड्यूरिंग द ईयर बेचा, तो उस टाइम पे हम उस साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करेंगे. लेट्स से अगर इस एसेट को मैंने 1 जनवरी 22 31 दिसंबर 22, मैंने 31 मार्च को अगर एसेट 31 मार्च 22 को अगर एसेट सेल किया होता, लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो पहले पॉइंट के अकॉर्डिंग जो ये वाला है, इस साल में डेप्रिसिएशन पूरी पे कैलकुलेट करता और इस साल में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करूँगा. ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है, मंथली और प्रो राटा डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन एग्जैक्ट नंबर ऑफ मंथ्स दैट एसेट हैज़ बीन ओन्ड. अब इसमें क्या होगा, मैंने पहले साल में एसेट इस डेट को परचेज किया, दैट मीन्स डेप्रिसिएशन भी प्रोरेट हो जाएगी इतने मंथ्स में, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर. दैट मीन्स अगर मेरी डेप्रिसिएशन पहले साल 10,000 है या 1 लाख डेप्रिसिएशन है पहले साल, तो 1 लाख विल बी मल्टीप्लाइड बाय 6 / 12, दैट मीन्स 50,000 डेप्रिसिएशन पहले साल लगेगी. फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन विल बी 50,000. प्रोरेट सिर्फ पहले साल में होते हैं क्योंकि उसके बाद तो पूरा साल एसेट हो रहेगा मेरे पास, और जिस साल मैंने बेचा सिर्फ इतने पीरियड की डेप्रिसिएशन लगेगी. ये नेक्स्ट चैप्टर में हम करेंगे, अभी इस चैप्टर में हमें इस चीज़ को नहीं करना, हमें सिर्फ परचेज का देखना है. तो अगर हमने एसेट ड्यूरिंग द ईयर परचेज कराया, सो देर आर टू मेथड्स, या तो हम पहले साल में पूरी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, या फिर हम डेप्रिसिएशन को मंथ्स में प्रोरेट करेंगे. ठीक है, अब इसका क्वेश्चन करेंगे, उससे तुम्हें ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगा. सो देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 1, देव अ ट्रेडर परचेज एन आइटम ऑफ प्लांट फॉर $1,000 ऑन 1 अगस्त 2001 या 11. 1 अगस्त 2000, लेट से 2001 में उसने परचेज किया था प्लांट परचेज किया था फॉर $1,000. When he depreciate on reducing balance method at 20%, अब depreciation हम reducing balance method पर charge कर रहे हैं 20% पे. आगे, what is the depreciation charge for each of the first 5 years if the accounting year ends in 31st July? अब 31st July मतलब 1st August to 31st July को हमारा accounting period चलता है. 1 अगस्त से 31 जुलाई, अगर 31 जुलाई को ख़त्म हो रहा है, दैट मीन्स 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा होगा हमारा ईयर. तो हमने 1 अगस्त 2001 में प्लांट परचेज किया 1,000 का, तो 31 जुलाई 2002, साल ख़त्म हो गया, पूरा साल है, तो इस पे डेप्रिसिएशन लगेगी 20% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड. दैट मीन्स इसका 20% विच इज़ 200. तो इस डेट को कैरिंग अमाउंट विल बी 800. अब दोबारा से
31 जुलाई 2003 में डेप्रिसिएशन 800 का 20%, दैट मीन्स 160। तो बैलेंस मेरा कितना रह गया यहाँ पे, 640। सो इस डेट को कैरिंग अमाउंट विल बी 640 और ऐसे ही मेरा सिलसिला चलता रहेगा और ये होगी मेरी डेप्रिसिएशन ईच ईयर जो मैं कैलकुलेट करूँगा। ठीक है गाइस, सिंपल रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का क्वेश्चन है ये। अक्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि जैसे हम कहते हैं ना मैथ्स में एक टर्म होती है, मैं वो टर्म भूल रहा हूँ, क्यूमुलेटिव वैल्यू। तो अभी तक डेप्रिसिएशन कितनी लगी हुई है उसको हम बोलते हैं अक्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन। मतलब अभी तक कितनी डेप्रिसिएशन लगी है। तो जैसे पहले साल 200 लगी थी, अगले साल 160 लगी, तो टोटल अब तक कितनी लगी है, 360, फिर 488, फिर 590, फिर 672। तो हमने हर साल में नेक्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन ऐड करते चले गए और वो हमारा क्यूमुलेटिव वैल्यू आ गई। सिंपल मैथमेटिक्स है ये। अब हम करते हैं अंडरस्टैंडिंग नंबर टू। दिस इज गुड, दिस इज इंपॉर्टेंट। और देखो ये वन मार्कर क्वेश्चन आता है या टू मार्कर, सॉरी, इसको हमें कैसे सॉल्व करना है। कैरन हैज बीन रनिंग अ सक्सेसफुल नर्सरी स्कूल लिटिल मॉन्कीज सिंस 2001। शी बॉट द फॉलोइंग एसेट्स फॉर द नर्सरी ग्रू एज द नर्सरी ग्रू। उसने एक ओवन परचेज किया है फॉर नर्सरी $2,000 का और परचेज किया है 1 दिसंबर 2004 को। एक मिनी बस परचेज की है उसने 18,000 की, परचेज ऑन 1 जून 2004। तो मतलब पहले उसने ये परचेज किया है, देन ये परचेज किया है। हमने इन्होंने उल्टा बताया हुआ है, पहले हमने मिनी बस परचेज किया उसने, देन उसने ओवन परचेज किया है। शी डेप्रिशिएट्स ओवन एट 10% स्ट्रेट लाइन मेथड एंड मिनी बस एट 25% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अ फुल ईयर डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ परचेज एंड नन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। कि जिस साल हमने एसेट परचेज किया है उस पूरे साल की हम डेप्रिशिएट कैलकुलेट करेंगे। व्हाट इज द टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर एंडेड 31 अक्टूबर 2016। इस लाइन का मतलब है कि हमारा ईयर एंड होता है 31 अक्टूबर 2016, दैट मीन्स जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड है दैट इज 1 नवंबर टू 31 अक्टूबर, दिस इज आर अकाउंटिंग पीरियड। तो इस क्वेश्चन में हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले मैं करता हूँ सिर्फ ओवन का। सो डेट परचेज अमाउंट, ठीक है, सो डेट परचेज अमाउंट। सो मैंने ओवन को 1 दिसंबर 2014 को परचेज किया है $2,000 का, सॉरी परचेज डेट पर्टिकुलर अमाउंट परचेज किया है $2,000 का। अब डेप्रिसिएशन कब लगेगी, 1 दिसंबर 2014, अगला साल दैट मीन्स 31 अक्टूबर 2015, इस पे लगेगी डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन इसमें बोला है कि पूरा साल लगानी है, मंथ्स में प्रोरेट नहीं करना हमें। तो डेप्रिसिएशन रेट इज 10% स्ट्रेट लाइन मेथड, तो मतलब डेप्रिसिएशन रेट सेम रहेगा। तो 10% ऑफ 2000 इज 200 डेप्रिसिएशन। तो इस डेट को मेरा कैरिंग अमाउंट आ गया 1800। अब 31 अक्टूबर 2016 अगले साल डेप्रिसिएशन लगेगी, सेम 200, और इस डेट को कैरिंग अमाउंट मेरा हो जाएगा 1600। ये समझ आया गाइस अवन का, हाउ टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। अभी मैंने निकाली है अवन पे, अब हम निकालते हैं मिनी बस पे। सो मिनी बस, इसका भी मैं छोटा सा चार्ट बनाता हूँ। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, सो मैंने मिनी बस परचेज की थी 1 जून 2014 में। 2014 में मैंने मिनी बस परचेज की थी फॉर 18,000। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि
मिनी बस पे डेप्रिसिएशन लगेगी 25% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, मतलब हर साल की कैरिंग अमाउंट पे मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगा। और हमें बोला गया है कि डेप्रिसिएशन पहले साल में पूरी कैलकुलेट करनी है, प्रोरेट नहीं करनी। अब पहला साल ख़त्म कब होगा? ईयर हमारा जो एंड होता है वो होता है 31st अक्टूबर, परचेज किया 1st जून को, दैट मीन्स 31st अक्टूबर 14 आएगा पहले, तो इस डेट को हमारी आएगी डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन इसका 25% हम कुछ नहीं करेंगे, सीधा 25% निकाल देंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें प्रोरेट नहीं करना। ठीक है, अब मैं निकालता हूँ इसकी डेप्रिसिएशन, एक सेकंड रुको। देखो अब यहाँ पे मैं यहाँ था, सो 18,000 इंटू 25 डिवाइड बाय या 25%, सो पहले साल मेरी डेप्रिसिएशन कितनी आ गई, 4500, वो मैंने यहाँ से माइनस कर दिया। अब इस डेट को मेरा कैरिंग अमाउंट जो आया है, दिस विल बी दिस माइनस 18,13500, दिस इज़ माय कैरिंग अमाउंट। ठीक है, अब 31st अक्टूबर 15 आएगा अगला साल एंड, वहाँ पे भी डेप्रिसिएशन लगेगी। अब इस पे डेप्रिसिएशन है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे, दैट मीन्स पुराने कैरिंग अमाउंट पे 25%, सो दिस मीन्स 13500 इंटू 25%, सो 3375 ये हो गई मेरी डेप्रिसिएशन। अब सेम डे पे मेरा कैरिंग अमाउंट आएगा, सो कैरिंग अमाउंट विल बी दिस माइनस 13500, सो दिस इज 10125, ये आ गया मेरा कैरिंग अमाउंट। अब क्वेश्चन में मुझे निकालना है 31st अक्टूबर 2016 का, तो 31st अक्टूबर 16 पे मेरी आएगी डेप्रिसिएशन दोबारा से इस वैल्यू का 10% और 25%, तो दिस इंटू 25% इज 2531.25। मैं यहीं रुक जाऊंगा क्योंकि क्वेश्चन में मुझे बोला है कि मुझे डेप्रिसिएशन निकालनी है इस साल की। सो 31st अक्टूबर 2016 मिनी बस पे लगेगी 2531 और 31st अक्टूबर 2016 अवन पे लगेगी 200, तो टोटल डेप्रिसिएशन जो मेरी होगी दैट विल बी 2531.25 प्लस 200, दैट इज 2731.25। तो आंसर में देखते हैं 2731, सो डी विल बी माई आंसर। ठीक है गाइस, सबको समझ आ गया हाउ टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, सो दिस इज टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग टू। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है वो तुम कर लेना, ठीक है। बस इसमें मैं बता देता हूँ, जहाँ जैसे इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन प्रोराटा बेसिस, प्रोराटा बेसिस का मतलब क्या होता है? अगर मैं यहाँ इस क्वेश्चन में देखूँ प्रोराटा बेस, तो ध्यान से देखना, मैं इसको रब कर देता हूँ। सो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने परचेज की थी मशीन 1st दिसंबर 2014 को, है ना, तो 1st दिसंबर 2014 से 31st अक्टूबर तक कितने मंथ्स होंगे? दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 मंथ्स हो गए। सो डेप्रिसिएशन मेरी थी 200 फॉर फुल ईयर, डेप्रिसिएशन जो मैंने कैलकुलेट की थी 2000 × 10% हर साल लगनी थी 200, तो 200 पहले साल में, हमेशा प्रोराटा जो होता है वो सिर्फ फर्स्ट ईयर में होता है, अगले सालों में नहीं होता। तो पहले साल में 200 थी डेप्रिसिएशन पूरे साल की, मशीन मेरे पास रही है 11 मंथ्स, तो 11 डिवाइड बाय 12 जस्ट वन सेकंड गाइस, सो मशीन मेरे पास रही है 11 मंथ्स, सो यहां पे मैं करूंगा 200
इंटू 11 डिवाइड बाई 12, सो दैट विल बी 183.3। तो पहले साल मेरी डेप्रिसिएशन लगेगी 183.3, उसके बाद कैरिंग अमाउंट चेंज हो जाएगा, बट डेप्रिसिएशन सेम रहेगी 200, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक साल की हमारी 200 ही है, वो तो सिर्फ पहले साल में प्रोरेट हुई थी, लेकिन हर साल में डेप्रिसिएशन तो 200 ही रहेगी। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में तो जो भी कैरिंग अमाउंट आता है हमें उस पर डेप्रिसिएशन निकालनी है। याद रखना, प्रो रेट जो चीज़ें होती हैं वो सिर्फ फर्स्ट ईयर में होती हैं, अगले मंथ्स में प्रो रेट नहीं होती। प्रो रेट जो हमारी चीज़ें होती हैं वो सिर्फ फर्स्ट ईयर में होती हैं, अगले मंथ्स में प्रो रेट नहीं होती, अगले ईयर में नहीं होती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे ये है, मैं तुम्हें इसमें करके दिखाता हूँ एक बार छोटा सा। जैसे ये लेते हैं हम, हमारा जो है ईयर एंड है दैट इज 31 दिसंबर 2015, मतलब 31 दिसंबर को हमारे ईयर क्लोज हो रहा है। तो पहली मशीन हमने परचेज की है मशीन वन, हमने परचेज किया 12,000 की और डेप्रिसिएशन इज 20% स्ट्रेट लाइन, सो डेप्रिसिएशन ईच ईयर विल बी 12,000 इंटू 20%, दिस इज 2400। तो पहले साल जो मतलब डेप्रिसिएशन हर साल लगेगी दैट इज 2400। तो मशीन वन का वो चार्ट बना लेते हैं छोटा सा, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, मैंने 1 अगस्त 2005 को परचेज किया है मैंने 12,000 का, अब 31 दिसंबर 2005 मेरी क्लोजिंग डेट आएगी, यहाँ पे लगेगी डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन पूरे साल की है 2400, हमने ऊपर कैलकुलेट की हुई है, लेकिन एसेट मैंने हेल्ड किया है 1 अगस्त से, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर दैट मींस 5 मंथ्स के लिए मैंने एसेट अपने पास रखे, तो इनटू 5 डिवाइड बाय 12, सो 12 2, सो दिस इज 1000। तो 1000 लगेगी मेरी पहले साल डेप्रिसिएशन। तो इस डेट को कैरिंग अमाउंट विल बी 12,000 माइनस 1,000 11,000। अब 31 दिसंबर 2016 को भी डेप्रिसिएशन लगेगी, अब यहाँ तो एसेट पूरा साल मेरे पास रहे, तो पूरा साल डेप्रिसिएशन है 2400, तो यहाँ 2400 ही रहेगी। सो दैट मीन्स 11 माइनस 3, तो 8 प्लस 6, 8600, ये हो जाएगा मेरा कैरिंग अमाउंट। आई होप गाइस सबको ये समझ आ गया हो। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में भी हमारा इसी तरह से हम कैलकुलेट करेंगे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब तुम्हें मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ इस क्वेश्चन को करने का तरीका, चेक करेंगे आंसर सही है कि नहीं। मैंने देखा पहले साल जो मेरी डेप्रिसिएशन एक मशीन पे जो है, अभी एक ही मशीन की बात करें, पहले साल जो एक मशीन पे मेरी डेप्रिसिएशन लग रही है, अच्छा वो यहाँ पे नहीं लगेगा, सॉरी मैं गलत बोल गया, क्योंकि दूसरी मशीन हमने अलग डेट पे परचेज की है, लीव इट जो मैंने बोला है। सो दिस इज़ हाउ वी कैलकुलेट डेप्रिसिएशन अगर हमें प्रो राटा बेसिस पे करना हो। सेम थिंग वी विल डू इन केस ऑफ नेक्स्ट मशीन। तो मशीन टू का भी मैं दिखा देता हूँ, तो मशीन टू का भी देखो, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, तो 1 अक्टूबर 2006 को मैंने परचेज करी है कितने की, 8000 की। अब इस पर लग रहा है 10% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, तो बुक्स हमारी एंड हो रही है 31 दिसंबर को, तो 31 दिसंबर 2006 को मेरी लगेगी डेप्रिसिएशन, इसका 10% कितना होगा, 800। लेकिन एसेट मैंने कितने महीने अपने पास रखे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जस्ट 3 मंथ्स, 2 × 3 / 12, सो 4, दिस इज 200 लगेगी मेरी पहले साल डेप्रिसिएशन, तो 7800 विल बी दी वैल्यू। अब अगले साल जो मेरी डेप्रिसिएशन लगेगी वो इस वैल्यू का 10% पूरा 780 होगा, मैं इसको बायफकेट नहीं करूँगा क्योंकि अगले साल तो एसेट पूरा टाइम मेरे पास ही रहा होगा। तो आंसर एक बार चेक कर लेते हैं, 2015 में जो हमारी डेप्रिसिएशन लग रही है वो लग रही है 1000, 2016 में जो डेप्रिसिएशन लग रही है वो लग रही है 2400 एंड 200, सो द आंसर इज 1000 एंड 2600, तो 1000 एंड 2600, दिस इज द आंसर बी। आई होप गाइस सबको समझ आ गया होगा ये।
तो ये हमारा होता है कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन बाय यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड। डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है उस चैप्टर में, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस में क्या होती थी जर्नल एंट्री हमारी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट क्रेडिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, आगे थ्योरी फटाफट से पढ़ लेते हैं। The depreciation expense account is a profit or loss account and therefore not accumulated. Depreciation को हम accumulate एक साथ cumulative नहीं करते। Accumulated depreciation account is a statement of financial position account. As the name suggests, it is accumulated, that is reflects all depreciation up to date, कि जितनी आज तक उस asset पर depreciation लगी है वो हम यहाँ लिखेंगे। So financial position की जो हमारी statement होती है उसमें हम carrying amount कैसे लिखेंगे, यहां पे आएगी ओरिजिनल कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, दिस विल बी दी कैरिंग अमाउंट कि किस रेट पे मैंने परचेज किया था, और टोटल डेप्रिसिएशन अब तक कितनी लगी है वो माइनस करके दैट विल बी दी कैरिंग अमाउंट। ठीक है गाइस, अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दीज आर योर होमवर्क, एक बार पढ़ लेना। लेजर्स तुम्हें बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल जैसे जर्नल एंट्री से लेजर बनते वही हैं। यू कैन स्किप दिस पार्ट, तुम्हें सिर्फ इसके आंसर्स निकालने हैं, यू हैव टू फाइंड आउट दी आंसर्स। ठीक है, चेंजिंग एस्टीमेट का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। चेंजिंग एस्टीमेट मीन्स कि अगर हमने ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज किया है, या डेप्रिसिएशन हमें पहले लग रहा था कि एसेट 10 साल चलेगा, 2 साल बाद पता चला कि एसेट तो 3 साल से ऊपर चलने नहीं वाला, तो हमें डेप्रिसिएशन को भी रीकैलकुलेट करना पड़ेगा। ये सिर्फ थ्योरी के लिए है तो इसको भी पढ़ लेना। ठीक है, इसका अगर तुम्हारे पास एग्जाम किट में कोई क्वेश्चन आता है मुझे बताना, तो मैं इसका क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। एंड गाइस दैट्स इट, दिस इज योर चैप्टर, इसको एक बार इससे क्वेश्चंस कर लेना, जो भी डाउट हो मुझसे पूछ लेना, और अगर कुछ नॉर्मल डाउट हुए तो मैं वैसे ही व्हाट्सएप पर कर लूँगा, लेकिन अगर बहुत सारे बच्चों को इस चैप्टर में डाउट आए देन वॉट आई विल डू कि मैं इसकी वीडियो अलग से बना के या एक लाइव क्लास यूट्यूब पे लेके इस चैप्टर को एक्सप्लेन कर दूंगा एक पर्टिकुलर टाइम पे। ठीक है गाइस, चलो हैव अ गुड टाइम, बाय।